अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, इसको समझने के लिए हम एक स्टार्ट लाइक दिस। हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में या अदर साइंसेज में, जो होल्ड करते हैं हर किसी नेचुरल नंबर के लिए। मीन्स विच होल्ड्स फॉर ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर, जो हर किसी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होते हैं। फॉर एन इक्वल टू वन, फॉर एन इक्वल टू थ्री, सो ऑन। जैसे कि हमारे पास है ए प्लस बी रेज पावर वन, इट्स ए प्लस बी, या ए प्लस बी, जब ए प्लस बी रेज पावर वन, इट्स ऑब्वियस इट्स ए प्लस बी। हाँ, तो इसका प्रूफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ए प्लस बी रेज पावर वन इज ए प्लस बी। ए प्लस बी होल स्क्वायर, यू नो इट्स फेमस आइडेंटिटी, इट्स ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इस रिजल्ट को हमें प्रूव करना होगा तो इसको हम प्रूव कैसे करते हैं, इसको आप ऐसे प्रूव कर सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इट्स ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, वाई दिस आर सेम पावर्स आर एडिट। सो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यू कैन राइट ए इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सो इट्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, सो इट्स ए स्क्वायर प्लस ए बी। बाई कमिटेटिव लॉ बी ए यू कैन राइट एज ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो इट्स ए स्क्वायर प्लस ए बी इट्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो इट इज डन। सो इट इज द एलजेब्रिक प्रूफ ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, the geometrical concept of a plus b whole square, it's a square plus 2ab plus b square, the mathematical beauty. See what geometrically it means. ये एक स्क्वायर है जिसका साइड ए, इतना ए है इतना बी, तो ये जो साइड है इसका डायमेंशन क्या बन गया, ए प्लस बी। स्क्वायर का डायमेंशन क्या बन गया, ए प्लस बी। मीन्स एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं, तो हमने इसका साइड क्या लिया, इतना ए लिया ये बी, तो टोटल लेंथ इसकी क्या बन गई, ए प्लस बी। सो इट सेज इफ यू हैव अ स्क्वायर विद साइड ए प्लस बी, इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दैट इक्वल टू साइड स्क्वायर, दैट इक्वल टू साइड स्क्वायर, वो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मींस एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है जिसका डायमेंशन है ए प्लस बी, इसका एरिया जो है वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट एज ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मींस इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक स्क्वायर में जिसका साइड होगा ए, दैट इज दिस ए स्क्वायर आ गया ये। अच्छा, देन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स दूसरा एक स्क्वायर जिसका डायमेंशन क्या होगा बी, वो ये हमारे पास है, अनदर स्क्वायर इसको बना सकते हैं। एंड टू ए बी जो है, टू ए बी अभी आपने देखा, यू कैन राइट एज ए बी प्लस ए बी, और इसके दो रेक्टेंगल निकलेंगे, एक रेक्टेंगल ये, क्योंकि रेक्टेंगल का आइडिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड ए बी, और दूसरा रेक्टेंगल ये,
तो इसके दो रेक्टेंगल्स निकलेंगे ये और ये। इट मींस इफ वी हैव अ स्क्वायर whose dimension is a plus b, then this area can be distributed as, we can cut one square with dimension a, another square with dimension b, and we have two rectangles whose dimensions are a and b. So this is the mathematical, this is the geometrical proof of what a plus b ka whole square is, a square plus b square plus 2ab. It's very nice, it's beautiful. तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी रेज पावर 4। अगर हमें ऐसे ही ये रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा हर किसी नेचुरल नंबर के लिए, a प्लस बी रेज पावर 4, 5, 6, 7, 100, लाख, करोड़, इज इट पॉसिबल फॉर अस? नो, इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी। देन तब हम इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं हर किसी नेचुरल नंबर के लिए, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3, 4, 5, सो ऑन। तो उस चीज के लिए जब हमें कोई रिजल्ट ऐसा होगा जो हमें प्रूव करना होगा हर किसी नेचुरल नंबर के लिए, उस चीज के लिए क्या बनाया गया है? उस चीज के लिए बनाया गया है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ये कहाँ यूज होता है बेटा? ये उन रिजल्ट्स के लिए यूज होता है बेटा जिन रिजल्ट्स को हमें प्रूव करना होता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। फाइन, सो इट्स अ मेथड, इट्स अ टूल which is used to prove general results holding for each and every natural number. जैसे अल्लाह ताला का निजाम है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इन सलात तनहा फैशाई वल मुनकर, बेशक जो नमाज है ये आपको बुरे कामों से रोकती है। फिर हदीस में आया है अवलीन पुरुष जो होगी नमाज की होगी, और जिस बंदे की नमाज दुरुस्त निकलेगी, जिस बंदे की नमाज दुरुस्त निकलेगी उसके जो सारे अमाल है वो दुरुस्त निकलेंगे। उसको अल्लाह ताला बोलेगा जब नमाज जो है, जब जब नमाज चेक की जाएगी, जब नमाज ठीक निकलेगी तो अल्लाह ताला उसको बोलेगा उस बंदे को आप जा सकते हो। तो ये एक अल्लाह ताला का निजाम है, अल्लाह ताला समीउल बसीर है। अल्लाह ताला को जब नामा अमल चेक करना होगा तो अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला बिना देखे अल्लाह ताला की नज़र सब पे है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया, उसने अल्लाह ताला ने बोला मैं नमाज चेक करूंगा, जब नमाज दुरुस्त निकलेगी तो सारे अमाल दुरुस्त। इसी तरीके से दुनियाई एतबार से हम देखते हैं, इफ वी हैव टू चेक आवर फूड इज कुकड और नॉट, अगर हमें देखना होता है जो खाना हम पकाते हैं क्या वो खाना तैयार हुआ होता है कि नहीं, अगर हम देखेंगे उस खाने में कितने चावल के दाने होते हैं, उसमें बहुत सारे देयर आर आई मीन सो लॉट ऑफ मॉर्सल्स ऑफ राइस, जब हमें चेक करना होता है वो चावल पका हुआ होता है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर जो है थोड़े से चावल के दाने होते हैं वो हम चखते हैं। अगर वो चावल के दाने सही होते, अगर वो पके हुए होते, हम बीच में नहीं जाते, बीच में नहीं जाते, हम बीच में देखेंगे वो चावल पके हुए होते कि नहीं, ना हम ऊपर से चेक करते हैं वो चावल पके हुए होते कि नहीं। अगर वो चावल के दाने पके हुए होते हैं तो हम बोलते हैं हाँ ये तैयार है, एंड यू कैन सी, यू हैव सीन प्रैक्टिकली ईच एंड एवरी मॉर्सल ऑफ राइस वो वैसा ही बना होता है, वो पका हुआ होता है। इन द सेम वे वी आर यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन, we have to check some steps, we have to check some guidelines. अगर वो चीजें जो mathematical induction में है जो हम अभी लिखेंगे बेटा, अगर वो चीजें सही हुई होती है, अगर वो चीजें satisfy होती है, तो फिर वो जो result है वो automatically hold होता है हर किसी natural number के लिए। So this was the importance of mathematical induction. Now let's see how we have implemented the mathematical induction and how it is utilized. तो ये mathematical induction क्या होता है? हम लिखेंगे mathematical induction is a method
या टूल विच इज यूज्ड टू प्रूव जनरल रिजल्ट्स कौन से होल्डिंग फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो मैथमेटिकल इंडक्शन एक टूल है, एक मेथड है, तो जो यूज किया जाता है किसके लिए, वो रिजल्ट्स प्रूव करने के लिए जो होल्ड करते हैं हर किसी नेचुरल नंबर के लिए। अब देखेंगे नाउ हाउ टू यूटिलाइज इट। इट इज इंप्लीमेंटेड so it is implemented in the following way. इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, जो रिजल्ट हमें प्रूव करना होगा, हम क्या करते हैं, वी प्रूव वी रिजल्ट फॉर एन इक्वल टू वन। जो रिजल्ट हमें प्रूव करना होगा फॉर एवरी नेचुरल नंबर, उसको हम क्या करते हैं, वी प्रूव दैट फॉर एन इक्वल टू वन। फॉर एन इक्वल टू वन मीन्स हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर एन इक्वल टू वन। सेकेंड स्टेप क्या है, हम मान लेते हैं वी एज्यूम रिजल्ट is true for n equal to k। वो जो रिजल्ट है वो हम मान लेते हैं वो n equal to k के लिए ट्रू है। इसको हम बोलते हैं इंडक्शन हाइपोथेसिस। ये जो है ये सेकेंड स्टेप जो है, सो इंडक्शन या इंडक्टिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं, इंडक्टिव हाइपोथेसिस। तो हम मान लेते हैं वो रिजल्ट ट्रू है फॉर एन इक्वल टू के के लिए। और थर्ड वन क्या है, यहाँ के क्या है, के कोई जनरल नेचुरल नंबर है। थर्ड स्टेप में हम क्या करना है, वी True the result is true for n equal to k plus 1। अगर हमने मान लिया वो रिजल्ट होल्ड करता है n equal to k के लिए, तो लास्टली हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है वो रिजल्ट ट्रू है किसके लिए, फॉर n equal to k plus 1। इफ दीज थ्री थिंग्स होल्ड गुड फॉर सम mathematical statement for some result which we are supposed to prove for each and every natural number, then that result holds for every natural number। बात समझ आ रही है बेटा? वो result जो आपको हर किसी natural number के लिए prove करना था, जैसे मैंने अभी दिखाया a plus b square cube है, raise power 4 है, इसी तरीके से a plus b raise power n है, जिसको हम binomial theorem भी कहते हैं। जैसे a plus b रेज फॉर एन है, ये क्या है, एन सी नॉट ए रेज फॉर एन प्लस एन सी वन ए रेज फॉर एन माइनस वन बी प्लस एन सी टू ए रेज फॉर एन माइनस टू बी स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस एन सी एन बी रेज फॉर एन। देखो इससे हम समझते हैं एन है हमारे पास नेचुरल नंबर, ये जो रिजल्ट है जिसको हम बाइनोमियल थ्योरम भी कहते हैं, ये हमें अगर प्रूव करना होगा, यहाँ n है फॉर एवरी नेचुरल नंबर इट होल्ड्स। सो इसका प्रूफ जो है हम नहीं कर पाएंगे फॉर वन टू थ्री फोर,
so on, n can be any natural number. So here mathematical induction comes to rescue. Step first, जो मैंने बताया बेटा, we prove result is true for n equal to 1. मतलब a plus b raised power 1 जो left hand side आएगा, वही आना चाहिए यहाँ भी जब आप n दोगे 1 के बराबर. So that's what we say, we prove result is true for n equal to 1. Second step क्या है? We assume result is true for n equal to k. मतलब आपको मानना है ये true है a plus b raised power k, kc naught a raised power k, kc 1, so on. KCK, B raise for K. और थर्ड स्टेप जो है आपको प्रूव करना है, वी प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू K प्लस 1. अगर आप प्रूव करोगे A प्लस B raise for K प्लस 1, किसके बराबर? K प्लस 1 C नॉट A raise for K प्लस 1, K प्लस 1 C 1, so on. K प्लस 1 C, K प्लस 1, B raise for K प्लस 1. Then this result holds for each and every natural number. This is what mathematical induction stands for. It has got, the law, huge magnanimity. Why? Because those results which we have to prove for every natural number, you have to just ensure these three things. If these three things hold for every natural number, then automatically that result hold for every natural number. जैसे मैंने ये भी आपको समझाया. I have given the example of the rice we cook. We just take few morsels of rice on the top. We check it. If they are fine, if they are good, we say the whole rice is cooked. And practically the whole rice is cooked in the same way. या जैसे मैंने आपको नमाज की example दी. जिस इंसान को, जिस बंदे को नमाज दुरुस्त निकली, अल्लाह ताला कहता है उसके सारे अमाल दुरुस्त है, तो उसको छोड़ा जाएगा, he will be allowed to go in Jannah. So in the same way, it works on the same protocol, it works on the same procedure. तो जब ये तीन steps hold होंगे, तो हम क्या लिखेंगे? जब आपने लिखा we prove the result is true for n equal to k plus 1, then the result is true for all n belongs to n. जैसे कि ये है, तो वो रिजल्ट होगा, हर ट्रू होगा हर किसी नेचुरल नंबर के लिए. तो आई होप ये आपने समझा अच्छे से. तो अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से ये ज्यादा क्लियर होगा हाउ इट इज इंप्लीमेंटेड एंड हाउ इट वर्क्स. फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू प्रूव through that 1 plus 2 plus 3 plus so on to plus n. किसके बराबर है? n into n plus 1 divided by 2. n belongs to n. This is a very famous result known as the sum of first n natural numbers. तो ये जो हमारे पास है 1 plus 2 plus 3 plus so on to n, ये किसके बराबर है? n into n plus 1 divided by 2. ये हमें प्रूव करना है. सो हम कैसे प्रूव करेंगे? हम लिखेंगे वी प्रूव दिस रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल induction and we use induction on n. हम induction किस पे use करेंगे? n पे. तो first step हम क्या करेंगे? For n equal to 1, for n equal to left hand side जो है n equal to 1 means first term, तो ये 1 आएगा. राइट हैंड साइड क्या बनेगा? राइट हैंड साइड जो है आपको n के बदले 1 देना है. इट्स 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 एंड 2 विल गो, इट्स 1. यहाँ भी 1, यहाँ भी 1. इसका मतलब दिस शोज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. हो गया फर्स्ट स्टेप. अब सेकेंड स्टेप,
एज्यूम रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, उसका मतलब दैट इज एज्यूम रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के का मतलब यही रिजल्ट लिखना है लेकिन एन के बदले लिखना है के, इसके बराबर है के इंटू के प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो ये हमारे पास इंडक्टिव हाइपोथेसिस है, लेट्स कॉल इट फर्स्ट। तो यहाँ मैंने मान लिया ये ट्रू है, वन प्लस टू प्लस थ्री सम ऑफ के, के इंटू के प्लस वन डिवाइड बाई टू। अब थर्ड वन आपको क्या प्रूव करना है, वी प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, दैट इज वो भी हम लिख के रखेंगे क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है वन प्लस टू प्लस थ्री यही, लेकिन एन के बदले क्या लिखना है के प्लस वन प्लस के प्लस वन। देखो मैंने यहाँ एन के बदले लिखा के प्लस वन, लेकिन के प्लस वन से पहले क्या होगा, उससे पहले के होगा, जैसे थ्री से पहले टू है। और ये किसके बराबर दिखाना है, यहाँ एन के बदले लिखेंगे के प्लस वन, इट शुड बी इक्वल टू के प्लस वन, देन के प्लस वन डिवाइड बाई टू, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करना है इट शुड बी इक्वल टू के प्लस वन के प्लस टू डिवाइड बाई टू, ये हमें प्रूव करना है। नाउ अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस वन प्लस के प्लस के प्लस वन। नाउ सी वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस वन अपॉन के, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक जो है इसके बदले हम लिख सकते हैं के इंटू के प्लस वन डिवाइड बाई टू, बाय फर्स्ट प्लस के प्लस वन बाय फर्स्ट हमने लिखा है, इसमें के प्लस वन कॉमन है, यहां पे क्या रहेगा के बाई टू प्लस वन, सो इट इज के प्लस वन देन के प्लस टू, हाँ एलसीएम डिवाइड बाई टू, वही तो हमें प्रूव करना था। इसका मतलब क्या हो गया, दिस शोज रिजल्ट इज ट्रू किसके लिए, फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, दिस शोज रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। सो दिस इज हाउ वी प्रूव द रिजल्ट विच वी आर सपोज टू प्रूव फॉर एवरी नेचुरल नंबर। मैं फिर से रिपीट करूंगा बेटा, हमें प्रूव करना था ये रिजल्ट फॉर एन बिलोंग्स टू एन। फर्स्ट स्टेप हमने किया एन इक्वल टू वन, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट टर्म ऑनली वन, राइट हैंड साइड एन के बदले वन दिया, सो इट्स वन हियर। एजम्पशन स्टेप, एज्यूम रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, यही रिजल्ट लिखना है लेकिन एन के बदले के लिखना है, यू एज्यूम इट इज ट्रू। लास्ट स्टेप एन इक्वल टू के प्लस वन, यही रिजल्ट फिर से लेकिन एन के बदले के प्लस वन। वन थिंग, के प्लस वन जो है इसे पहली वाली टर्म हमें लिखनी है, के प्लस वन से पहले क्या आएगा के, राइट हैंड साइड जो है ये के प्लस वन है, के प्लस वन प्लस वन, सो इट्स दिस। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, हर किसी में ऐसे करना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये वाला बनता है फर्स्ट, इसके बदले ये रिप्लेस करना है ये के प्लस वन, देन सिंपलीफाइंग इट विल कम आउट टू बी दिस, वो आपने पहले ही लिख के रखा आपको क्या प्रूव करना है। तो ये लास्ट स्टेप ही प्रूव हो गया, जब ये मैंने पहले ही बोला जब ये तीन स्टेप्स होल्ड होते हैं, इसका मतलब ये जो रिजल्ट है इट्स ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ये जो प्रॉब्लम है बेटा वन प्लस टू प्लस थ्री सम ऑफ एन, इसको कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। लेट मी शेयर विद यू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस प्रॉब्लम। गॉस एक मैथमेटिशियन है, तो इसको बोला गया था अपने जो इसका टीचर है व्हेन ही वाज 10 इयर्स ओल्ड,
जब ये गॉस जो है जब ये 10 ईयर्स ओल्ड था, इसको अपने टीचर ने बोला था, यू गिव मी दी सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। मीन्स इसको बोला गया था, आप बेटा ऐसे करो, 1 + 2 + 3 + 1 + 100, इसको सम अप करो। नाउ सी इट्स वेरी डिफिकल्ट, 1 + 2 + 3 + 1 100 तक करना, ऐड करना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर हम कैलकुलेटर पे भी करेंगे, इट्स वेरी हैक्टिक, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो गॉस ने इसको जल्दी बताया, उसने बताया इसको विद इन नो टाइम, उसने बताया सर इसका आंसर आएगा 5050। तो टीचर हैरान हो गया। सी व्हाट वाज द मेथड डिवाइसेड बाय हिम, दे आर बोर्न जीनियस। उसने क्या किया था, उसने जो मेथड इसके लिए यूज किया था उसी को फिर जनरलाइज किया गया, फिर बनाए गए ये जो जनरलाइजेशन हम देखते हैं रिजल्ट्स में, ये बनाए गए। उसने लिखा था 1 + 2 + 3 + 1 + 100, इसका नाम अगर हम एस रखेंगे ये साम। फिर उसने इस साम को उल्टा लिखा, पहले 100 लिखा, +99 +98 +1 + +1, वो फिर भी ऐसा आएगा। तो उसने ऐड किया, एस प्लस एस क्या हो गया, 2s, 100 + 1 101, 99 + 2 101, 98 + 3 101, ये भी क्या आएगा, 101। ये कितनी टर्म्स है, 100 टर्म्स है। तो 2s क्या आएगा, ये आएगा 100 टाइम्स 101। तो s क्या आएगा, वो आएगा 100 × 101 / 2। देखो वही आप करते हो, ये हो गया n, ये क्या हो गया n+1, 100 + 1 / 2। इसी को फिर जनरलाइज किया गया तो बनाए गए ये रिजल्ट्स। दिस इज द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। एंड जब आप इस तरीके से करोगे 2 × 5 0, तो s क्या आएगा, ये आएगा 0 515 05। तो ये इसका आंसर है। सो दिस इज हाउ मैथमेटिकल थिंग्स वर्क। सो थैंक यू वेरी मच।